नमस्ते सभी को जी। हिंदी में हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अभी अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो के स्टेप फोर पे हम डिस्कशन कर रहे थे और उसको लेकर हम लोगों ने काफी सारा कल डिस्कशन किया, ऑब्जर्वेशन को लेकर, देखने को लेकर। तो अगर इसको थोड़ा सा रिकैप करें तो अभ्यास दो से पहले हमने अभ्यास एक किया। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास किया, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास किया। अभ्यास दो में चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और उसी के एक उदाहरण के रूप में शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं हूँ, शरीर है, ये दो वास्तविकताओं को हमने स्टेप वन में पहचानने का प्रयास किया और ये भी देखने का प्रयास किया कि मैं और शरीर ये दो एक ही बात है या अलग अलग वास्तविकताएं हैं। तो इसको हम अपने आप में भी ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और जितना जितना हम आगे के स्टेप्स पे काम कर रहे हैं, मैं और शरीर से जुड़ा हुआ जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो हमारे और मूल्यांकन में आ रहा है और मैं और शरीर को अलग अलग वास्तविकताओं के रूप में पहचानने में सहयोग हो रहा है। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर, इन दोनों वास्तविकताओं के बीच जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, इसको देखने का अभ्यास किया। तो दिखता है मैं शरीर को सूचना देता हूँ संकेत के रूप में। शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, बहुत रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं जो संवेदना के रूप में है और मुझ तक पहुंचती हैं एक सूचना के रूप में, और मैं निर्णय पूर्वक उनको पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ और ये मैं आवश्यकता अनुसार करता हूँ, समय समय पर करता हूँ और इसमें कोई बहुत ही रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। स्टेप थ्री में हमने ये देखने का प्रयास किया कि अल्टीमेटली जो मैं संकेत दे रहा हूँ या सूचना को पढ़ रहा हूँ वो अपने आप हो रहा है या उसमें मेरा निर्णय शामिल है। अगर मेरा निर्णय शामिल है तो फिर अपने निर्णय पे काम करेंगे। तो ये स्टेप थ्री में हमने ऑब्जर्व किया। स्टेप फोर में हमने इस बात को देखना शुरू किया कि मेरा होना और संवेदना का होना ये एक ही बात है, अलग अलग बात है। तो शरीर को हम अपने से एक भिन्न वास्तविकता के रूप में पहचानने गए स्टेप वन में, बट वहां बात पूरी नहीं पड़ी, उसको देखना बस शुरू किया, उसको स्वीकृति दी कि ऐसा हो सकता है। अब स्टेप फोर में ये देख रहे हैं कि संवेदना शरीर में हो रही है, मुझ में हो रही है, क्या मैं ही संवेदना हूँ या मैं संवेदना में हूँ, मैं शरीर का भाग हूँ या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। और उससे ये भी निष्कर्ष निकल सकता है कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। तो इसको और बारीकी से स्टेप फोर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, संवेदना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, संवेदना से अपनी दूरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। संवेदना का होना और मेरा होना ये दो अलग अलग वास्तविकताएं किस प्रकार है। तो संवेदना है, मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ ना कि मुझ में संवेदना है, और मैं उसको पढ़ रहा हूँ ना कि मैं संवेदना का हिस्सा हूँ। ऐसा देखते हुए हमें शरीर और बारीकी से दिखता है, शरीर की वास्तविकता और ठीक से स्पष्ट होती है। तो इतनी बात हम लोगों ने की थी कल, है ना, उसके आगे और ऑब्जर्व करना है अपने को। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ कि नहीं। शरीर के विभिन्न भागों में किसी भी जगह होने वाली संवेदना को अपने निर्णय अनुसार पढ़ता हूँ। तो मेरा निर्णय है, ये बात हमने स्टेप थ्री में ऑब्जर्व किया था। स्टेप फोर में उसे और हम बारीकी से देख रहे हैं कि किस प्रकार मैं वो निर्णय ले रहा हूँ, किस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ, संवेदना से कैसे मेरी दूरी बनी हुई है। और इससे हम ये भी देख पाते हैं कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। तो स्थान रूप में तो एक ही स्थान पे बने हुए हैं परंतु मुझसे बाहर है, इस संवेदना मुझसे बाहर है, एक सूचना के रूप में मुझ तक पहुंच रहा है। ये शरीर मुझसे बाहर है, जो संवेदना को मैं पढ़ता हूँ उससे शरीर के होने का पता चलता है। हम शरीर के किसी भी अंग को ध्यान लगा के देख सकते हैं, ऐसे ही मैंने सोचा चलो अपनी किडनी को देखते हैं और खाना कैसे, किडनी किडनी को देखते हैं अपनी, ठीक है, ध्यान लगाते हैं शरीर के हर एक अंग को देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां तक पहुंच तो गया लेकिन मैं कैदे से देख उक नहीं पाया उसको, मतलब ठीक है काम कुछ कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ बन नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शरीर के हर अंग को अंदर से देख लूं? उसे क्रियाशीलता को देखेंगे, उसके रूप को तो नहीं देख पाएंगे, क्रियाशीलता को देख पाएंगे।
किडनी में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, इसको देख हाँ, सकते हैं। मैं खाना खा रहा था तो मैंने कहा कि चलो खाना खा के मैं ध्यान लगा के ये देखता हूँ कि मेरा खाना पेट में कैसे जा रहा है, कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो कुछ हो बिल्कुल नहीं पाया। बिल्कुल, गले तक तो समझ में आया, गले के नीचे थोड़ा बहुत, उसके बाद तो गायब। वही संवेदना जो बन रही है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में उस हाँ हाँ भोजन के प्रभाव से, उसको ध्यान देंगे तो पता लगेगा उसका। वो तभी भी अच्छा जैसे है ना, जैसे खाना खाते खाते पेट भर गया तो पता लगता है कि नहीं, ठीक। हाँ उसमें पता लो लगता है कि पेट भर गया। और आप कभी व्रत रख लीजिए है ना, लंबे समय तक भोजन छोड़ दीजिए, ठीक हाँ हाँ है। और फिर जब भोजन नीचे जाएगा या कोई भी पदार्थ अंदर जाता है तो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है आपको पता लगेगा। जैसे सही बात है। हाँ आप 3-4 दिन तक भोजन मत करिए, ठीक, खाली पानी हाँ पीजिए, और उसके बाद आप कुछ तरल पदार्थ ले लीजिए, उपलब्ध रहे तो ले लीजिए है ना, जूस वगैरह, तो आपको पता लगता है कैसे पहुंचा। वो तो क्या हुआ कि देख तो आप ही रहे हैं, पहले बहुत सारी चीजों के बीच मिक्सडअप था तो नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा, हम लोग इस अभ्यास को और करते हैं। अच्छी बात है कि जो चर्चा हो रही है उससे मैं और शरीर, ये दो वास्तविकताओं को पहचानने में हम सबको सहयोग मिल रहा है। तो इसको हम अभी जारी रखते हैं, कल हम लोग इसमें और डिस्कशन करके फिर अगले स्टेप पे भी चलेंगे। तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज हम लोग चर्चा यहाँ पूरा कर लेते हैं, समय हो चला है। सभी को नमस्ते।